कश्मीर आपके सामने है और हमारे राज्य में कश्मीरी पंडितों के कश्मीर में पुनर्वास को लेकर एक नया शगुफा छोड़ा गया है, जिसे कहते हैं कि ये ट्विन सिटी का कॉन्सेप्ट एक सामने लाया गया है। जो बताया जाता है कि वो इंटरलॉक्यूटर्स ने सबमिट किया है और कश्मीर घाटी में श्रीनगर में एक नया श्रीनगर बनने जा रहा है और वहाँ उसको बसाया जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है अनु कश्मीर के होमलैंड के बरक्स उसका विरोध करता हुआ एक कॉन्सेप्ट आया है। इसलिए पन कश्मीर कुछ बातों की तरफ मीडिया के जरिए लोगों का ध्यान खींचना चाहेगा। ये हमको लगता है कि ये कश्मीर में जो नया श्रीनगर या नया शहर बनाने की एक योजना है, ये कश्मीरी पंडितों के नाम पर भारत सरकार से लाखों करोड़ों रुपया खींचने का एक तरीका है, जहां कश्मीरी पंडितों को वापस जाकर के बसाने के नाम पर पाकिस्तान से आए मिलिटेंट्स या आने वाले आतंकवादियों और पॉलिटिकल माइग्रेंट्स, मुस्लिम माइग्रेंट्स और डल झील से जो डिस्प्लेस किए गए हैं हजारों वहाँ के बाशिंदे, उनको बसाने की एक योजना हमको लगती है। ये ट्विन सिटी कोई गारंटी नहीं आपको देती है कि आपके साथ जो 90 में हुआ आतंकवाद एक्सोडस जेनोसाइड ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सिक्योरिटी की कोई गारंटी इसमें नहीं है, इसमें आपका फ्यूचर गारंटी नहीं है, इसमें आपके इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एनशाइन नहीं है। और ये हमको लगता है कि ये एक डाइवर्शनरी एक मूव है जो भी इसके पीछे शक्तियां हैं, ताकि पनुन कश्मीर का जो 23 साल से होमलैंड का कॉन्सेप्ट समाज में है और जिसे समर्थन प्राप्त है उसको डाइल्यूट किया जाए, क्योंकि ये सूट नहीं करता है अलगाववादियों को, ये सूट नहीं करता है कई और पॉलिटिकल इलीट को। इसलिए ये उस पॉलिटिकल इलीट को अलगाववादियों को एक ऐसा हथियार दिया गया है जिसमें कश्मीरी पंडितों के नाम पर जैसे मैंने कहा कि लाखों करोड़ों रुपया खींचने का एक तरीका है। हम उस ग्रुप का एक सेगमेंट है कश्मीरी पंडितों के समाज में, कुछ लोग हैं जो स्वयंभू सेल्फ स्टाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इसको प्रमोट करने पे तुले हुए हैं। उनको लगता है कि वो सरकार की ओर से या सरकार के इशारे पर ऐसा करते हैं। हम उन सभी शक्तियों को सावधान करते हैं और अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये बतलाना चाहेंगे कि हम कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, परम कश्मीर कोई ऐसा रिस्क या कश्मीरी पंडित रिस्क नहीं ले सकते जिससे कि होमलैंड की डिमांड डाइल्यूट हो, और जो कि देश के हित में नहीं है, जो कि हमारे हित में नहीं है, और जो कि एक सोचा समझा विकल्प है और उस विकल्प का कोई सानी। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका मेन क्या इशू था, क्या एजेंडा था? देखिए, पनम कश्मीर पिछले 23-24 साल से कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग होमलैंड या एक यूनियन टेरिटरी की मांग करता आया है। और इस मांग का गर्ज यह है कि कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडित या जिनको वहाँ से निकाल दिया गया है वो जा कर के वहाँ बस सकें और अपने को महसूस सुरक्षित कर सकें और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिले पॉलिटिकल। इसके बरक्स इसकी कई शक्तियाँ ऐसी हैं जो उसका विरोध करती हैं। आज लेटेस्ट कुछ दिनों से एक नया कॉन्सेप्ट समाज में लाया गया है जिसे ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। ये ट्विन सिटी एक धोखा है। ये ट्विन सिटी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास या उनकी रिहैबिलिटेशन के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खींचने का एक तरीका है, जिसमें ये तो बताया जाएगा कि कश्मीरी पंडित ले जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि ये उनके हित में नहीं है। और यहाँ पाकिस्तान से आने वाले या बुलाए जाने वाले मिलिटेंट्स को बसाया जा सकता है और कश्मीरी पंडितों का नाजायज़ और उनकी हालत को एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
न ये कॉन्सेप्ट आपको कोई गारंटी देता है कि आपके साथ वो नहीं होगा जो 90 में हुआ, यानी विस्थापन फिर नए सिरे से नहीं होगा। ये आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देता है, ये आपको पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं देता है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं देता है। ये आपका कोर इशू एक्सोडस और जिनोसाइड भी एड्रेस नहीं करता है, इसलिए ये सेफ नहीं है, इसलिए धोखा है। और जम्मू कश्मीर के होमलैंड कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट या डिसॉल्व करने का एक नापाक तरीका है। और हम कंडेम करते हैं उन सभी कम्युनिटी में भी ऐसे लोगों का जो इसे प्रोजेक्ट करते हैं, हमको लगता है वो सरकार की ओर से ऐसा करते हैं। थैंक यू।